हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अब ये वीडियो बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ बिकॉज़ लास्ट वीडियो मैं बनाई थी ऑन अगस्त 22, दैट वाज द सनराइज इन फुजेरा। उसके बाद मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया। सब कोई पूछ रहे थे हिना क्या हुआ क्या नहीं। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो थ्रू दिस वीडियो दैट आई वाज वेरी सिक। आई वाज वेरी 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 सिक और 7-8 दिन हो गया मैं कहीं भी नहीं गई, जस्ट एट होम, घर पे ही हूँ और खा रही हूँ, पी रही हूँ, घर पे ही हूँ। जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। इट वॉज़ अराउंड 104 टेम्परेचर था मुझे एंड माई आइज़ वेर रेड एंड मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे कोरोना नहीं ना हो गया है। और डॉक्टर्स, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाई। बट आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि कुछ भी हो आपको, कोई भी बीमारी हो, लाइक इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, फर्स्ट बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, फर्स्ट ट्राई टू फिगर इट आउट आप कौन सा डॉक्टर के पास जा रहे हो। बिकॉज मेरा क्या है ना, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था। माई इंश्योरेंस वॉज नॉट अप टू डेट। सो वॉट आई डिड, डॉक्टर के पास में गई तो इसमें क्या होता है ना, कंसल्टेशन फी, देन अगर गलत डॉक्टर के पास जाओ तो फिर उसका मेडिकेशन एंड ऑल। सो वो मेडिसिंस खा के भी मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। देन आफ्टर दैट अगेन आई वेंट टू अ प्रॉपर डॉक्टर, उसके बाद में सब कुछ सही हुआ। सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड आई जस्ट सॉ द हेल, आई कैन से। बहुत ही तबीयत ख़राब थी एंड इट वॉज मिजरेबल, इट वॉज जस्ट मिजरेबल। एंड विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी आई फील दैट आई नॉट लिव मोर, दिस इज़ माई लास्ट नाइट विच आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ लाइक दैट ओनली। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी देख रहे हैं मुझे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वी से दैट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, वी जस्ट से, बट आई लिटरली फेल्ट इट दैट येस, हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जब हेल्थ पे आता है ना, दुनिया का कोई चीज़ दिखता नहीं है। और मैंने जैसे, मैं आपको, आप लोगों को, आई एम नॉट एबल टू, यू नो, आई एम नॉट एबल टू क्लैरिफाई, आई डोंट, आई एम नॉट एबल टू आपको बता सकती हूँ कि कितना, आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर वर्ड, मतलब इतना तबीयत खराब, जस्ट इट वॉज हेल। बट बाई अल्लाह ग्रेस, बाई गॉड्स ग्रेस, अभी ठीक हूँ। नाउ आई एम एबल टू, अभी भी गला ख़राब है, नाउ आई एम एबल टू टॉक एटलीस्ट। अभी मम्मी का भी, मेरी, मेरे घर से भी फोन फोन कॉल्स आए थे, दे वॉन्टेड टू सी मी इन बॉटम, वीडियो कॉल, बट यू वोंट बिलीव आई वॉज नॉट एबल टू शो माई फेस। मेरा फेस ऐसा हो गया था जस्ट जैसे लास्ट स्टेज है। तो मैंने अपनी मम्मी को भी फोटो नहीं, मतलब अपना वीडियो नहीं दिखाया, फेस नहीं दिखाया, जस्ट एक साइड पे करके देन आई शोड हर। तो इतना सिचुएशन ख़राब हो गया था। तो बस यही आप लोगों को यही बताना है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ जो बोलता है ना, लिटरली आई फेल्ट दैट, यस हेल्थ इज़ वेल्थ, अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग। इफ़ योर हेल्थ इज़ प्रॉपर, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर इन दिस वर्ल्ड। इफ़ योर हेल्थ इज़ डाउन, इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, ट्रस्ट मी। और ये लिटरली मैंने फील किया है इन दिनों में। और एक मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि जैसे दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आप कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो और आपके पास कोई भी नहीं है, सो अगर आपकी तबीयत ख़राब लग रही हैंड ओवर योर वैल्यूबल्स टू सम वन हु इज़ रिलायबल, टू वन पर्सन, क्योंकि आप अपने में नहीं रहते हो। बिकॉज आई लॉस्ट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, आई लॉस्ट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पर्स से किसी ने निकाल लिया। तो बहरहाल इट्स ओके अंटिल एंड अनलेस आई एम फाइन, आई हैव अ प्रॉपर हेल्दी लाइफ। पैसा आना जाना चीज़ है, आई अर्न मनी, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन इंसान लोग कैसे होते हैं, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक वेन यू आर सिक एट दैट टाइम किसी को वो नहीं पड़ता है कि हाँ बीमार है, पैसा निकलवाना है, उसको कौन सा पता चलेगा, पैसा निकाल लेते हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई नो हु इज़ दैट पर्सन, लेकिन बस इट्स ओके। तो ये बस एक मैसेज देना चाह रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और जब भी बीमार हो, इफ जस्ट गिव द हैंड ओवर द मनी और वैल्यूबल्स, वॉट एवर यू हैव, टू द कंसर्न पर्सन, रिलायबल पर्सन, अपने किसी को दे दीजिए।
तो यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ह्यूमनिटी फ्रॉम एवरीवन, ठीक है ना, क्योंकि सब ही यहाँ पे हर कोई रिलायबल नहीं रहता, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, सो प्लीज़ टेक केयर। मैं ऐसे ही मैं बोली एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ, और मैं तो बाहर ही नहीं गई, 7-8 days हो गया कहीं भी नहीं गई, मेरी गाड़ी पार्किंग में पड़ी हुई है, क्या हाल है क्या नहीं आई डोंट नो। सो टुमारो आई एम प्लानिंग टू गो चेक माई व्हीकल कैसे हालत में है क्या है, तो आई एम गोइंग टू प्लान अ व्लॉग, फिर आप लोगों को भेजूंगी लिंक, तो स्टे ट्यून विथ मी। और जो जो मेरे लिए आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम गिव अ थैंक्स फ्रॉम दिस वीडियो टू ऑल माई फ्रेंड्स जो जो मुझे हेल्प किए हैं, स्पेशली आई लिटरली 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 थैंक्स आफरीन, थैंक्स नसीहा, थैंक्स शबीना, स्पेशली दीज थ्री हु हैव लिटरली हेल्प मी टू ओवरकम दिस फीवर एंड ऑल, मेडिसिन्स खाना वाना सब ने मेरा बहुत टेक केयर किया है, ये तीनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टेक केयर किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर बींग विथ मी, टेक केयर, स्टे ट्यून विथ मी एंड आई विल कम अप विथ वीडियोज़ वेरी सून, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।